हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेशन सर्च के अंदर करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन सर्च। जो ऑपरेशन सर्च का ये बेसिकली जो फील्ड है, ये ओरिजिनेट हुआ इंग्लैंड के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। चार्ल्स बैबेज जो है फादर ऑफ ऑपरेशन सर्च माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और सॉर्टिंग ऑफ मेल जो है उसके अंदर ऑपरेशन सर्च के प्रिंसिपल लगाए थे। मॉडर्न ऑपरेशन सर्च जो है बाउटसी रिसर्च स्टेशन के अंदर ओरिजिनेट हुई है। यहाँ पे इन्होंने रिडार सिस्टम के अर्ली वार्निंग सिस्टम को एनालाइज और उसकी वर्किंग को काफ़ी इम्प्रूव किया था। इंडिया के अंदर जो ऑपरेशन सर्च सोसाइटी है 59 के अंदर इस्टेब्लिश की गई, और ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन सर्च सोसाइटी का मेंबर भी 1959 में बना। और जो जर्नल ओपी सर्च वाज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1963। देखो, जो ऑपरेशन सर्च है बेसिकली इसका जो टारगेट होता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना, डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है। ये सिस्टमेटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, उनको कैसे यूज़ करके हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचना है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेशन सर्च इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम so as to provide those in control of the system with the optimal solution to the problem. Operation search के जो features हैं, first है system orientation। यहाँ पर हम पूरी problem को study करते हैं, और यहाँ पर जो team होती है वो अलग अलग background से आती है। कोई mathematics, कोई statistics, कोई engineering, कोई economics, कोई management, computer science। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि problem को different angle से देखा जाता है। फिर उसके बाद है कि यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच जो लगाई जाती है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है कि उसको मतलब रीजनिंग के बेसिस पे उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करके, एनालिसिस करके सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग लेना होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो कंप्यूटर्स है, क्योंकि कई बार बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, तो कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, यही होता है कि हमने बेस्ट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। ऑपरेशन सर्च जो होता है, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ये हमें रैशनल डिसीजन मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन लेना होता है, उसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका रोल भी बहुत सिग्निफिकेंट होता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो इसके अंदर मेथडोलॉजी है, फर्स्ट है ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को, उसकी क्लियर पिक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके प्रीवियस बैकग्राउंड को देखते हैं, उसके रिगार्डिंग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं। सेकेंड है प्रॉब्लम डेफिनेशन। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम क्लियर टर्म्स के अंदर डिफाइन करते हैं, क्या हम ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, क्या उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को क्लियर टर्म्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है हमारे ऑब्जेक्टिव को साथ, या मतलब प्रॉब्लम जो है उसको क्लियरली हम डिफाइन करते हैं कि हमने क्या अचीव करना है, वो प्रॉब्लम हमें किस तरह से सफ़र कर रही है, क्या किन रीज़न की वजह से वो प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी सोर्स से या सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मॉडलिंग जो होता है, जिसके बेसिस पे हम जो प्रॉब्लम है उसके करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। मॉडल को हम ये भी कह सकते हैं कि हमने जो रियलिटी है उसका एक वेग सा आइडिया सेलेक्ट करना है, जिसके बेसिस पे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मॉडल जो है फिजिकल मॉडल भी हो सकता है, एनालॉगिक मॉडल भी हो सकता है, मैथमेटिकल मॉडल भी हो सकता है, कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल भी हो सकता है। फिर उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर रिजल्ट को देखते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जो ऑपरेशन सर्च है, देखो, ये फिनांस, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसके बेसिस पे हमने कैश फ्लो बनाना है, फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, जिसके अंदर ये हमें हेल्प करती है। और सेकेंडली जैसे परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट है, कहाँ से हमने परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर परचेज करना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर हमने ऑर्डर प्लेस करना है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये हमें प्रोजेक्ट को सेटअप करने के अंदर, और जो प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग है, रिसोर्सेज की एलोकेशन है, वो हेल्प करती है। मार्केटिंग के अंदर हमें प्रोडक्ट मिक्स, किस तरह से हमने एडवर्टीजमेंट मिक्स, सारा कुछ वो करने में हेल्प करती है। पर्सोनल मैनेजमेंट के अंदर भी हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी, सिलेक्शन पॉलिसी, कंपनसेशन पॉलिसी,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी क्या होता है कि किस तरह से हम रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन कर सकते हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके अंदर ये हमें हेल्प करती है। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ ऑपरेशन सर्च मॉडल्स। देखो मॉडल जो होता है रियलिटी की रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे फिजिकल मॉडल है, इसके अंदर क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को डायग्राम ग्राफ के द्वारा या चार्ट्स के द्वारा बताते हैं कि कौन से पार्ट एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड है। उसी के अंदर क्या होता है आइकॉनिक मॉडल्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर उसकी इमेज क्रिएट की जाती है कि ये जो है उसका सिस्टम का फिजिकली उसकी पिक्चर क्रिएट की जाती है। एनालॉग मॉडल जो होता है बिल्कुल आइकॉनिक मॉडल होता है। जैसे आप देखते हो कि बच्चे जो होते हैं टॉयज, रेलवे के टॉयज हो गए, ऑटोज के हो गए, रोड्स के हो गए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उसको उसका रिप्लिका तैयार किया जाता है। क्योंकि एक्चुअल में ये जो रियलिटी होती है उसके अंदर ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है, इजीली इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। फिर है मैथमेटिकल मॉडल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह ही डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे हर चीज़ डिफाइंड होती है, रिजल्ट सर्टेन होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट डिफाइंड, अनसर्टेनिटी अटैच होती है। जनरल मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि वो सारी सिचुएशंस पे एप्लीकेबल होता है। स्पेसिफिक मॉडल जो होता है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है टेक्निक्स और टूल्स ऑफ ऑपरेशन सर्च। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे क्या है कि हमने गिवन ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है, मिनिमाइजेशन का भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होता है, कंस्ट्रेंट कंडीशंस भी होती हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती है प्रोडक्ट मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे ढंग से सॉल्व करती हैं। और यहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि लिमिटेड सोर्सेज को हमने किस ढंग से एलोकेट करना है ताकि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट मिले। सेकेंड है क्यूइंग थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे लाइंस लगी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कस्टमर सर्विस के लिए वेट कर रही है, मशीन रिपेयरमैन के लिए वेट कर रही है, या एयरक्राफ्ट जो है लैंडिंग के लिए वेट कर रही है, या कई बार हम देखते हैं कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो रिमोट में ही मतलब प्लेटफॉर्म पे उनको जगह नहीं मिलती। तो यहाँ पे वेटिंग के अंदर भी क्या होता है कि ओवरऑल कॉस्ट को हमने मिनिमाइज करना होता है। उसी तरह इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल होता है कि हमने ना तो हमारी ओवर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना ही अंडर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कितना मैक्सिमम स्टॉक रखना है, कितना मिनिमम स्टॉक रखना है, किस टाइम पे ऑर्डर प्लेस करना है। उसी तरह जो नेटवर्क एनालिसिस होता है ये भी एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है। इसके द्वारा क्या होता है कि हम जो लार्ज प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इनको ग्राफिकली बताया जाता है कौन सी सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ है, कौन सी साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज़ है, प्रोजेक्ट हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। उसी तरह रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मशीनें हैं, मैन है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है, या कोई भी इक्विपमेंट है जिसकी हमने रिप्लेसमेंट करनी है, नेचुरली उसकी धीरे धीरे एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो क्या सही टाइम होता है जिस वक्त हमें लगता है कि उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। उसी तरह सिक्वेंसिंग है। सिक्वेंसिंग के अंदर क्या होता है कि जॉब को हम किस सिक्वेंस के अंदर प्रोसेस करना चाहिए ताकि हमारे जो टाइम है वो मिनिमाइज हो जाए। उसी तरह जो इंटीजर प्रोग्रामिंग है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग जिसके अंदर क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि हम डिविजिबल चीज़ों को ले सकते हैं, तो वो फ्रैक्शन के अंदर ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो वहाँ पे हम इंटीजर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। उसी तरह देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। इसके अंदर होता है कि हमने रिसोर्सेज को किस ढंग से एलोकेट करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ताकि उसके अंदर जो कॉस्ट है, टाइम है, वो मिनिमाइज हो जाए, या सेल है हमने किस तरह से असाइन करनी है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। उसी तरह क्या है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के अंदर हम देखते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है ताकि हमारे कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाए। उसी तरह क्या है कि डिफरेंट डिसीजन थ्योरी होती है जिसके अंदर हमने रिस्क और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में डिसीजन लेना होता है, कैसे डिसीजन को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसी तरह जो मार्कोव है जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेसिस पे होता है कि वो कैसे इंफॉर्मेशन लेके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। उसी तरह सिमुलेशन है। सिमुलेशन के अंदर क्या होता है कि हम रियल लाइफ जैसे सिचुएशंस क्रिएट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन को हम सर्च आउट करते हैं। उसी तरह गोल प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या होता है कि अपने गोल को ऑप्टिमाइज